आईपीएल शुरू होने से पहले ही प्लेयर्स की इंजरीज का सिलसिला देखने को मिला और धीरे धीरे वक्त के साथ ही बढ़ता ही गया। 16वें सीजन का पहला मैच सीएसके और गुजरात टाइटंस के बीच में खेला गया और इसके पहले ही मैच में डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका लगा जब केन विलियमसन चोटिल हुए। विलियमसन की चोट काफी ज्यादा गंभीर लग रही थी और तब से ही ये माना जाने लगा था कि अब विलियमसन का खेलना मुश्किल है और तभी से उनके रिप्लेसमेंट की बात भी की जाने लगी और ये कहा जाने लगा था कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज स्टीव स्मिथ उनको रिप्लेस करेंगे। लेकिन अब खुद स्टीव स्मिथ ने इन अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया है। स्मिथ ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए क्वालिफाई भी करता हूं। मैंने ऑक्शन में ही अपना नाम नहीं दिया था तो फिलहाल यहां मेरे खेलने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगले साल देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा स्टीव स्मिथ ने आईपीएल एक्सपीरियंस पर भी बात की और कहा कि यहाँ पर दुनिया भर से बेहतरीन खिलाड़ी आते हैं और उनके एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखने को मिलता है और एमएस धोनी, जॉस बटलर जैसे प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना वाकई काफी इनक्रेडिबल है। आईपीएल के 15 साल अनबिलीवेबल रहे और अभी तो ये ग्रो ही किए जा रहा है। लेकिन फिलहाल बात करें स्टीव स्मिथ के केन विलियमसन को रिप्लेस करने की तो अब खुद स्मिथ ने इस अफवाह पर पूर्ण विराम लगा दिया है। हालांकि कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी ये मानना था कि स्टीव स्मिथ केन विलियमसन का एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकते थे। फॉर्मर क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने भी ये बात कही थी कि स्टीव स्मिथ अगर गुजरात के साथ जुड़ते हैं तो हार्दिक पंड्या को कप्तानी में काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि ये एक ब्रिलियंट आइडिया होगा। स्मिथ एक वैसे ही खिलाड़ी हैं जैसा आप चाहते हैं। वो हर तरीके का गेम खेलने में माहिर है। खैर अब स्टीव स्मिथ तो नहीं आने वाले हैं लेकिन फिलहाल केन विलियमसन इस आईपीएल सीजन से ऑफिशियली आउट हो चुके हैं। गुजरात टाइटंस ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये खबर कंफर्म की है कि अब केन विलियमसन इस आईपीएल सीजन में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। सीएसके के खिलाफ हुए पहले मैच में केन विलियमसन बाउंड्री रोकते हुए अपने घुटने पर चोट लगा बैठे थे और उस टाइम उनकी हालत देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनकी चोट कितनी गंभीर है। उनको दो लोगों के सहारे फील्ड से बाहर ले जाया गया लेकिन फैंस उम्मीद कर रहे थे कि वो जल्द ही ठीक होकर वापस लौटेंगे मगर फैंस को भी अब एक बड़ा झटका लग चुका है क्योंकि केन अब पूरे आईपीएल सीजन में नजर नहीं आएंगे। खैर अब देखना होगा कि आखिर गुजरात की टीम में केन की जगह कौन लेता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए क्रिकेट एडिक्टर।